D-Boys! 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 ईद मुबारक तहे दिल से हमारी फिल्मी फैमिली को. गाइज वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल टू फिल्मी फ्रेंड्स एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. बहुत बढ़िया हैं. पिछली बार से भी भूल रहा है, ये है रौनक, मैं हूँ इक्षक. अब तो उनको पता ही है यार कि अच्छा, कौन है हम. तो मैं कुछ भी करता हूँ तुम तो भैया आगे से काउंटर मार देते हो. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी मम्मी को. ओ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इसने केक भी नहीं खिलाया. अगस्त आ गया एंड एज प्रॉमिस्ड हम अपने रिएक्शंस सॉरी रिव्यूज लेके आ गए हैं. सबसे पहले शकुंतला देवी द इंडियन मैथमेटिशियन. ओके, तो गाइज जिन्होंने नहीं देखी हम थोड़ा सा प्लॉट बता देते हैं. हम कोई स्पॉइलर नहीं देंगे ताकि आपका फन खराब ना हो. बहुत फेमस इंडियन पर्सनैलिटी, इनके बारे में जानना जरूरी है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आर रिव्यूज आप इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा. ओके, तो प्लॉट है बेसिकली विद्या बालन जो प्ले कर रही हैं लीड मैथमेटिशियन शकुंतला देवी. कैसे उनकी हम्बल बिगनिंग्स होती हैं बैंगलोर में, फैमिली बहुत रिच नहीं होती, बट बहुत जल्दी वो रियलाइज कर लेती हैं कि उनके पास एक गॉड का गिफ्ट है कि वो कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर लेती है. मतलब छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, क्यूब रूट्स अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस वो कर लेती हैं बिना किसी कैलकुलेटर या पेन के, और विद इन सेकेंड्स. मतलब वो कंप्यूटर से भी जल्दी कर लेती है. तो जैसे उनको इसके बारे में पता चलता है, उनके फादर उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह लेके जाते हैं, शोज कंडक्ट करते हैं और ऐसे उनकी कमाई होती है. बट क्योंकि वो बहुत शार्प होती हैं, वो रियलाइज कर लेती हैं कि उनके फादर उनको ना यूज कर रहे हैं, और वो घर छोड़ देती हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी फैमिली उनकी ज़्यादा कदर नहीं कर रही है. और बाहर जाके लंदन जाके वो बहुत सारे शोज कंडक्ट करती हैं एंड दैट इज हाउ शी गेन्स पॉपुलैरिटी एंड फेम. सपोर्टेड बाय सानिया मल्होत्रा जो उनकी डॉटर प्ले कर रही हैं, अमित साध जो उनके सन इन लॉ प्ले कर रहे हैं एंड जिशु सेन गुप्ता जो उनके हस्बैंड प्ले कर रहे हैं. क्या कहना चाहेगा तुम मूवी के बारे में? हैट्स ऑफ टू विद्या बालन्स एक्टिंग. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये रोल यही प्ले कर सकती थी और कोई अगर इनमें आता तो वो इतना नहीं जचता जो विद्या बालन इस पिक्चर में काम करके. और बहुत टाइम बाद आई है विद्या बालन और मेरे को बहुत ही मतलब वापस उनका कमबैक बिल्कुल अच्छा लगा कि जो उन्होंने पिक्चर चूज करी वो एकदम सही थी. एप्ट फॉर द विद्या बालन. यस, जैसे हम डिफाइन करते हैं ना वुमन ऑफ सब्सटेंस, जैसे शकुंतला देवी थी, मेरे को इस चीज में 1% का भी डाउट नहीं है कि कोई और इस रोल को उतनी अच्छे तरीके से कर पाता जितने तरीके से विद्या बालन ने किया. जो सपोर्ट कास्ट है सानिया मल्होत्रा, अमित साध, जिशु सेन गुप्ता, इन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छा किया है. सानिया मल्होत्रा इज प्लेइंग हर डॉटर, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रोल को निभाया. शी प्लेज अ फ्रस्ट्रेटेड डॉटर जो अपनी मॉम के फेम के आगे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और बेसिकली ट्रबल्ड रहती हैं पूरी पिक्चर में क्योंकि उनकी मॉम उनको अपने फादर से थोड़ा दूर रखती है. अमित साध की लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी काबिले तारीफ है. आई मीन हर मूवी उनकी उठा के देख लो, उनकी एक पेस ना हमेशा कंसिस्टेंट है, तो वो एक बड़े रिलायबल एक्टर बनते जा रहे हैं. मतलब उनको एक रोल दे दो वो कहते हैं कि भैया मैं ये रोल कर दूंगा, पेंशन मत लो. डायरेक्टर साहब को बोलते हैं कि आप मेरे को रोल दो, लिख के दो, करना कैसे वो मेरे को पता है कि आप मेरे पे कभी भी डाउट नहीं करो. यस, ही इज वेरी लेवल वेरी कंसिस्टेंट इन हिज एक्टिंग. जिशु सेन गुप्ता, मैंने उनकी कई मूवीज देखी हैं, बंगाल में बहुत माने हुए एक्टर है एंड ही इज ऑल्सो फिनोमिनली गुड. मतलब स्टैंडिंग ऑपोजिट टू विद्या बालन के, मतलब कैरेक्टर्स में काफी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे हस्बैंड वाइफ के, बट बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया. एंड मेरे को इस पिक्चर की डायरेक्शन अच्छी लगी है. मतलब कि डायरेक्शन सोबर है, नॉट दैट वो, बट सोबर अच्छी जा रही थी और कहीं पे भी आपको ऐसे लगा नहीं कि कहीं मिस्टेक्स है वगैरह कुछ है. डायरेक्शन इज डन बाय अनु मेनन और एक औरत की स्टोरी, एक औरत ही सबसे अच्छे तरीके से बता सकती थी. सो शी हैज डन अ गुड जॉब. बहुत अच्छी चीज है कि स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, आप मूवी में बोर नहीं होगे या आपको ये नहीं लगेगा यार अब आगे भी बढ़ाओ, एक ही चीज चलती जा रही है, तो एक अच्छी पेस पे मूव कर रही है. हैविंग सेड दैट, अगर आप इस मूवी में एंटर कर रहे हो ये सोच के कि हमें जी सीखने को मिलेगा ये कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, तो वैसा कुछ नहीं है. उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया, इट्स अ गॉड गिफ्ट दैट शी हैज. वो नंबर्स देख के आंसर बता देती थी.
बेसिकली ये मूवी तब देखना जब आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना हो कि इतने सक्सेसफुल, इतना पैसा, इतने फेम के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ इतनी डिसबैलेंस चल रही थी. एंड टू कट इट शॉर्ट, मदर और डॉटर का रिलेशनशिप बताया है कि विद्या बालन की अपनी मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी. वही चीज उनको हिट बैक करी जब सानिया मल्होत्रा भी उनको अपोज करने लग गई. तो दैट इज अबाउट इट. कुछ तू ऐड करना चाहेगा इसके बारे में? मैं तो ये कहूंगा खाले मस्त है, सैटरडे है, संडे है, कल आराम से अपना पिक्चर देखो. yes. और मैथ्स को मैं ये मत सोचना कि मैथ्स सीख लोगे. वो उनको गिफ्ट था, मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि गॉड ने मेरे को कौन सा गिफ्ट दे रखा है जो मैं टैलेंट पकड़ूं. उन्होंने बहुत जल्दी पकड़ लिया था, मैं नहीं पकड़ पाया अभी तक अपने आप. यू विल बी अमेज्ड कि वो कैसे ऐसी कैलकुलेशंस कर लेती है. तो मूवी अच्छी है, बहुत अच्छा टाइम पास है. मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ साइमल्टेनियसली देख रहा था, शी ऑल्सो एंजॉयड द मूवी. इट्स अ गुड टाइम पास. हम इसको 5 में से 3 स्टार देंगे. एंड होपफुली आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा. आप जरूर चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप हमारे रिव्यू से कितने सहमत हो या नहीं हो. ओके. एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो, बता दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है ताकि ये रिव्यू हेल्पफुल हो और ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे. नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा दबाना मत भूलना. अब आएंगे सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे हमारे को फॉलो कर लेना. Do check out this movie and do share your review. It's worth watching your time. It's on Amazon Prime Video. Okay? Eid Mubarak.